हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो हे गाइस, तो टाइम ना हो, ऊपर से फेस्टिवल है, तो क्या किया जाए। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ मैं घर पे क्लीनअप कैसे करती हूँ। तो यही मेरा फेस केयर रूटीन होता है, तो सप्ते में एक बार तो मैं ज़रूर करती हूँ, अगर टाइम ना मिले तो 10 से 15 दिन में तो बिल्कुल करती हूँ। और मैं आपको सामने से अपना फेस दिखा रही हूँ, मेरे फेस पर कोई भी स्पॉट वगैरह नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। तो वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता, जब भी टाइम मिलता तो मैं यही करती हूँ, फेशियल वगैरह मैं उतना नहीं करवाती हूँ, कोई ओकेज़न वगैरह हो तभी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुलाबरी का गुलाब जल लिया, पहले इसको फेस पे मैं अप्लाई करूँगी। इसको लगाने के बाद क्या होता है ना, टोनर का भी काम करता है, ये फ्रेश फील भी करवाता है, तो मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो लगाने के बाद मैं इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेस पे रहने दूँगी। तो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से डब डब करके लगा रही हूँ। तो आपको जो भी सूट करता हो वही गुलाब जल ले, वही कंपनी का, तो मुझे वही सूट करती है। उसके बाद मैंने जॉय का एक मसाज क्रीम लिया। तो जब भी मैं स्क्रब करती हूँ, जिनको दाने दाने वगैरह हो जाते स्क्रबिंग करने के बाद, तो कोशिश करिए जो भी आपके पास मसाज क्रीम है, मुझे जॉय का ही पसंद आता है, तो मैं जॉय का क्रीम लगाने के बाद ही मसाज करती हूँ। एक बार आप कभी ट्राई करके देख लो, स्क्रबिंग से पहले जॉय का क्रीम लगा के, या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के, या फिर मतलब मसाज क्रीम लगा के, जो भी आपको सूट करता हो उसके बाद स्क्रब कीजिए, आपके फेस पे बिल्कुल भी दाने वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इस मतलब मुझे भी ये किसी ने सजेस्ट किया था, तभी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत दाने वगैरह होते थे। जब से मैंने ऐसे ट्राई किया तब से मुझे नहीं होती है। तो मैं इसे 5 मिनट अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे, नेक पे। और हाँ गाइस, जब भी मसाज करें फेस पे या फिर नेक पे, तो कान पे ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा ब्लैक दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एवर यूथ का ये लिया, स्क्रब लिया हुआ है। तो स्क्रब उसके बाद जब भी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद स्क्रब लगाओगे, एक अलग ही ग्लो देता है, और ऊपर से क्या होता है, दाने वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, बिल्कुल भी मीन्स बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, जब भी हो तो स्क्रब लगाने के टाइम पे जब भी हो तो हाथ को थोड़ा सा पानी से भिगा ले, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बहुत हल्के तरीके से, आराम से और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। कोशिश करें जब भी स्क्रब करें तो 2 से 3 मिनट, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और बहुत धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट तरीके से स्क्रब करें, स्पेशली उनको जिनको पिंपल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं स्क्रब के बाद, या दाने वगैरह आ जाते हैं। तो मेरे तरीके से कभी आप ट्राई करके देखो, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ दाने मतलब कि दाने वगैरह निकल जाते हैं, या फिर कोई क्रीम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जो भी मॉइस्चराइज़र आपको जो भी आपकी स्किन मतलब अकॉर्डिंग सूट करता है आप ले लो आराम से, उसके बाद ही स्क्रब करो। इससे क्या होता है, बिल्कुल भी पिंपल नहीं आएंगे और फेस पूरा क्लीन, मतलब मैं तो दिखा रही हूँ आपको कैमरे के सामने, बिल्कुल भी स्पॉट वगैरह नहीं दिखेंगे, या तो फिर मतलब बोल सकते हैं कि डार्क सर्कल्स भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ। तो जब से मैंने ये क्लीनअप घर पे करना चालू किया, तब से मेरी फेस इतनी अच्छी और इतनी क्लीन लगती है मुझे, तो मैं हमेशा यही करती हूँ। तो हे गाइस, जब स्क्रब करें तो देखिए मैं कैसे बता रही हूँ, उस तरीके से एक बार करके देखिए, और धीरे धीरे हाथों से, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से कर रहेगा। क्रीम या मसाज क्रीम नहीं है कि आप इसे किसी भी तरीके से लगा लो, नहीं, बिल्कुल भी एकदम सॉफ्ट तरीके से, एकदम हल्के हल्के हाथों से आप अप्लाई करें। इतना ज़ोर से नहीं कि छिल जाए, या फिर पता चला कि स्किन आपका ख़राब हो गया, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, एकदम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। और लिप पे स्क्रब ज़रूर कीजिएगा जब भी आप फेस पे कर रहे हो तो। और इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा लिप का भी थोड़ा सा मतलब जो भी होता है ना कलर, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं बोलूँगी स्किन आप सब बहुत जल्दी गोरे हो जाओगे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा फेस पे ग्लो आ जाता है। ग्लो आ जाने के बाद अलग ही सा मतलब दिखता है कि हाँ कुछ तो किया है, क्या है नहीं है, तो समझ में आ जाता है। तो मैं हमेशा मतलब इसको करती हूँ हमेशा 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बीच में कर ही लेती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है क्लीनअप करवाना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं जाके पार्लर में फेशियल वगैरह करवाऊँ, या फिर ब्लीच तो मैंने कभी नहीं ट्राई किया फेस पे, कभी नहीं। इवन यहाँ तक जब मेरी शादी थी तब भी मैंने ब्लीच ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे ब्लीच थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा लगता है कि डर लगता है। और धीरे धीरे जब एज हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है ना कि हाँ क्लीन अप ये सब करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि समझ में आने लगता है कि अब ये फेस के लिए ज़रूरी हो चुका है। तो ये देखिए मैं सामने से दिखा रही हूँ स्क्रब के बाद, फिर मैं एक बार और गुलाब जल लूँगी, और इसे फिर मैं वैसे ही डब डब करके लगाऊंगी, और 5 मिनट इसको भी फिर सूखने के लिए मैं छोड़ूंगी आराम आराम से लगा के। तो मैं जब भी अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये 3-4 चीज़ ही रहते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक स्क्रब, मसाज क्रीम, एक रोज़ वाटर,
जो भी जिस भी कंपनी का आप लगाते हो, मैं तो गुलाबरी का यूज़ करती हूँ और एक जॉय का मसाज क्रीम, मेरे पास यही तीन चार। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो है आपको दिखा रही हूँ, तो जो भी है मैं जो करती हूँ मैं वही बताती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर कुछ और रही हूँ बता कुछ और रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मसाज क्रीम लिया और अच्छे से मैं मसाज करूँगी अपने फेस पे, नेक पे, तो अच्छे से अप्लाई करूँगी धीरे धीरे। और हाँ गाइस, जब भी आप मसाज करें ना, तो कहते हैं मसाज का मतलब होता है ना फेस को या बॉडी को मतलब रिलैक्स फील करवाना होता है। तो आप जितने अच्छे से मसाज कर सकते हो, कोई भी क्रीम या किसी भी अच्छे से कंपनी का आप क्रीम ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको टेक्निक नहीं पता है मसाज करने का, तब तक आप अच्छे से नहीं कर सकते हो और ना ग्लो आने वाली है। तो जो भी खेल है आपके हाथों का है, क्योंकि मसाज जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बिना मसाज किए आपको क्रीम ग्लो कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितना आप अच्छे से रिलैक्स करवा सकते हो अपने फेस को, तो जब भी क्लीन अप करें घर पे आप, तो स्पेशली मैं बोलूँगी कम से कम 10 से 15 मिनट अपने मसाज को दे हल्के हल्के हाथों से, तो कोशिश करें तो इससे अच्छा बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और हाँ, जितने भी स्पॉट वगैरह है आपके फेस पे, मसाज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा साफ होने लगते हैं। तो मैं कान के पीछे मतलब अच्छे से मसाज कर रही हूँ ताकि मुझे रिलैक्स फील हो। अगर मैं सो रात में ना, तो मुझे लगे कि हाँ मैंने आज कुछ किया है ऐसा वाला फील हो, और सुबह भी उठो तो मुझे लगे कि हाँ मैंने किया है, ग्लो दिख रहा है उस टाइप से। तो हल्के हल्के हाथों से अपने अच्छे से मसाज कीजिए, और हो सके ऊपर की तरफ फेस पे टाने ना, जो भी मतलब मसाज वगैरह करते हैं, तो नीचे तरफ नहीं। तो इस तरीके से फिर मैं अपने फेस को रिलैक्स दिलवा रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैंने अपना क्लीन अप करने से पहले मैंने अपने हस्बैंड का किया, मैंने वो क्लिप तो नहीं डाला और ना ही मैंने शूट किया था। तो उसके बाद मैं फिर अपने लिए कर रही थी, क्योंकि दुर्गा पूजा आ गया, ऑब्वियस है हर किसी को अच्छा दिखना है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो घर पे ही कर लिया जाए। तो हे गाइस, तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, तो मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा क्लीन अप करने का तरीका। और आई होप आपको पसंद आया हो, और आप भी प्लीज़ घर पर ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा है नहीं है। और स्पेशली उनको जिनको मतलब फेस पे पिंपल आ जाते हैं ना स्क्रब करने के बाद, वो लोग भी इस तरीके से एक बार करके देखें फिर मुझे बताएं। थैंक यू एंड बाय बाय, लव यू।